इतने आए गए करते व्याख्यान है। मजहब ईमानों के बीच भेदी बना, कर्म करते नहीं व्यर्थ हैरान है। फल दिए उनको भगवान है। हाँ, आइए एक धार्मिकता स्वतप्रोत आनंद रामायण से एक गीत पेश खिदमत है, यकीनन आप सबको पसंद आएगी। एक कवाली का टुकड़ा है, ध्यान देंगे आप सब। अगर मालिक न चाहा तो मदीना हम भी देखें। रसूल अल्लाह के घर का करीना हम भी देखेंगे। लेकिन कहना है कि अगर मालिक ने भेजा है, अगर मालिक ने भेजा है रिहाई का सबक सीखो। अगर मालिक अगर ईश्वर ने आपको भेजा है तो एक मनुष्य के प्रति एक मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है हमें करना चाहिए, और मानवता का धर्म निभाना हमारा फर्ज होता है। कहना है, एक दृष्टांत है, कवि ने नज़्म में भाव दिया। कहना है, इंसान हो के तो इंसान से बेहतर।
अपना भलाई में जीवन में हो ना धर्म अपना भलाई का काम करो, हो ना धर्म अपना भलाई का काम करो, मानव हो के जरा जग में वही नाम करो। मनुष्य को एक मानवता का फर्ज, मानवता के धर्म का पालन करना चाहिए, यही संदेश है। एक कहानी की ओर आपको हम ले चलते हैं, ध्यान देंगे आप सब। एक पंडित धर्मदत्त जी हैं, प्रतिदिन दया धर्म दान का कार्य करने वाले, नित्य प्रातः उठकर भगवान का स्मरण करते हैं। एक दिन की बात है, पंडित जी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के भगवान की आराधना करते हैं और हाथ में थाली, धूप, अक्षत, तुलसी दल, गंगा का जल सब लेके मंदिर की ओर जा रहे हैं। कहना है एक तर्ज मिला, लेकिन कवि जी लिखते हैं भाव में, कहना है कि पंडित पूजा यज्ञ में हो दिन बितावे लाना, पंडित कार्तिक मास और देव पूजन है तू पंडित चाल भोरहारिया। हाथ थालियो सामग्री सजावे लना, सुधि बुधि भूल पंडित देख परतिनिया, मुंह फैलाई डाइन पंडित के डरावे लना। और चल दिए, जा है रास्ते में एक भयंकर प्रेतात्मा उन्हें मिल गई और देखकर पंडित जी का हृदय द्रविड़ होने लगा, भयभीत हो गए। और भयभीत होने के बाद उन्हें अचानक अचेतन अवस्था आ गई और उनके हाथ से सामग्री छूट गई। टेरी में कहना है मास्टर, ओ विधाता के निराली नितिया, ओ विधाता के निराली नितिया, अरे करता कर्म जो खोटा बास नरक में पाता, विधाता के निराली नितिया।
विधाता अपने कर्म से मनुष्य के कर्म के अनुसार उसे दंड देता है। पंडित जी घबरा गए और घबराई हुई अवस्था में परेशान हैं। कहना है बेलवरिया में कहना है मास्टर। अरे गैलन घबराए, गैलन घबराए पंडित जी देखि के डाइनिया। शरीर से स्पर्श किया उसका शरीर प्रेतात्मा से मुक्त हो गया, प्रेतात्मा से मुक्त हो गया और वो दौड़कर उनके चरण को पकड़ लिया। कहा पंडित जी आप मेरे उद्धार का कारण बने हैं, आप मेरे उद्धार का कारण बने हैं, आप ही मेरे जीवन का सहारा होंगे। और कहा आप एक काम मेरा कर दीजिए, मैं अपने शरीर को फिर से प्राप्त कर ली हूं, इसलिए आप एक काम मेरा कर दीजिए। और क्या कहती है, स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी अपने जवानी के आलम में गाया करते थे, कैसे भैया कहा सन 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 हो सन सन बनावा चलावा लेन हो से कहते हैं। क्या कहते हैं, बोला ली परे तीन बचनिया न हो, बोला ली परे तीन बचनिया न हो, सुना पंडित गियनिया। आप मेरा एक काम कर दीजिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ।
खोद चुकी हूँ। क्या कहती है? देबे नहीं हाँ, देबे नहीं हो, देबे नहीं तुम्हें परेशानी ना हो, सुना पंडित खराब था महाराज। मैं पूर्व जन्म की कथा आपको बताती हूं। मैंने बहुत गलत काम किया, उसका खामियाजा, उसका फल मुझे भुगतना पड़ा। का पूर्व जन्म में मैं क्या थी, अपनी कथा को बताती हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या कहती है? पूर्व जन्म में सुना ला कहानी, मेरे अंदर मैंने कभी अपने पति का सत्कार नहीं किया और ना उनकी बात को मानी। पति के हाँ, पति के हो, पति के न मानली बचनिया न हो, सुना पंडित गियानिया। बात कभी नहीं माना करती थी, लेकिन सारे गांव के लोग, तमाम जवार के लोग हमारे पति जी के बात के अनुसार कार्य किया करते थे, लेकिन मैं उनकी बात को नहीं मानती थी। और कहा कि गांव में बड़ा उनका सम्मान था, बड़ी इज्जत थी। और बताती है, एक तर्ज मिला, कहना है कि सरंगिया वाले का है कि गौवा के ज्ञानी मेरे पतिदेव कितने ज्ञानी और ध्यानी थे, बताती है वो प्रेत आत्मा। बता रही क्या कहती है कि गौवा के ज्ञानी बाभा नवा, अरे गौवा के ज्ञानी बाभा नवा सजनवा हमारे करती थी। पतिदेव जो कुछ कहे मैं उसका उल्टा करती थी। एक दिन उन्होंने पूजन सामग्री मांगा, पूजा के लिए तमाम अच्छा जल सब मांगा, लेकिन मैंने उसके बजाय ले जाकर उन्हें होरसा और बेलना दे दिया। मैंने उल्टा कर दिया, हवन करने के लिए उन्होंने आग मांगा, मैंने ले जाकर भोजन रख दिया। पतिदेव मेरे परेशान हो गए, मुझसे एकदम प्रताड़ित हो गए। एक दिन की बात है, उड़ान में कहना मास्टर,
से सब वृत्तान। अरे तार के उल्टा कहबे तब सुख पौब्या जो कुछ वो कहे उसका उल्टा काम करो। निषेध युक्ति बता दिया और तभी आपको सुख मिल सकता है। उन्होंने इस मंत्र को गांठ बांध लिया और कहा कि मेरे मित्र ने जो कहा वो सही कहा है। घर लौटकर आए और पिताजी की मृत्यु होने के बाद उन्होंने एक उल्टी साजिश रचा और अपने पत्नी से कहते हैं, क्या कहते हैं, इलाहाबाद की खाटी तर्ज हो। अरे राम जकोरा मारे जुलनी, अरे राम जकोरा मारे जुलनी, साली पत्नी से उल्टा कहता है ताकि मैं एक मेरी इच्छा है, मैं काम करना चाहता हूं। उसने कहा हां बोलिए क्या कहता है। काहे कर बैना सराध, अपनी उल्टी युक्ति को लगा दिया और काहे कर बैना सराध गोरी से बोले बोलिया। चाहता हूं। कह रहे आप कैसे कैसी बात कर रहे पित्ते हो। कहा कि सही कह रहा हूं मैं। अरे ना तो रिश्तेदार ना ही बहन बहन होई। लेकिन ये बात जब सुनी तो उसने कहा पतिदेव आप ब्राह्मण हैं और एक ब्राह्मण होकर ऐसी बात करते हैं, कितनी बदनामी होगी, संसार में कैसे कैसे लोग हैं, कितनी बात बोलेंगे, आप कैसे जीवित रह पाएंगे, समाज में कैसे सिर उठा पाएंगे। यही बात समझाती है और एक तर्ज का भाव मिला कहना है मास्टर। अरे जवान
लेकिन क्या कहती है वो? बदनामी होगी, कहे व्यर्थ लिया जन्म घरे ब्राह्मण के आई के, व्यर्थ लिया जन्म घरे ब्राह्मण के आई के, अरे जीवन बेकार तोहरा मानस पर पाई के। बुलाकर दरवाजे पर उनका सम्मान करेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे, इष्ट मित्रों को दक्षिणा देकर विदा करेंगे। अब सोचने लगा वो पति कि मेरा काम अब बन रहा है, मेरी निषेध युक्ति काम कर रही है। वो प्रेतात्मा पंडित जी से बता रही है, कहा मैंने पति को धिक्कार दिया। उड़ान में कहना मास्टर, नहीं बेचारा, अरे करी विलोम कहे का उनके मन नहीं भाता। मेरे पति से मेरा तालमेल नहीं बना बाबू जी, लेकिन एक दिन की बात है, मेरे पतिदेव ने कहा कि कुछ काम कर दो, निषेध युक्ति भूल गए और उन्होंने सीधी बात को बता दिया। क्या कहते हैं विदेशिया में कहना मास्टर, अरे चढ़ली जवानिया जीवनिया बेकार भैली, नहीं भैले पिया के संजोग हो, हमसे कहीं जब बिस्तर लगावा अंदर द्वारे हम बिछाई देख लो, अरे रोई रोई बतिया बतावे पर तिनिया, अरे भोगत करमवा के भोग हो, न जाने पति पत्नी दिया बिहवल हमारे बियो। मेरे पतिदेव ने कहा कि चलो भी अंदर बिस्तर लगा दो, लेकिन मैंने उस बिस्तर को बाहर लगा दिया। तमाम लोग देखने लगे और लोग हंसी का पात्र बनाए। मेरे पतिदेव से बर्दाश्त नहीं हुआ और बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जिंदगी, ऐसी जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकता। एक दिन की बात है, पतिदेव क्या करते हैं, एक तर्ज मिला, कहना है कि तरे नरिया रवा के बारी, अरे तरे नरिया रवा
ओरिजिनल है, कि कहना है कि सही न सके अपन दुर्गतिया, सही न सके अपन दुर्गतिया, बालम घर गले जो हम के तो फांसी लगावा, गले जो हम के तो फांसी लगावा। कई के आत्महत्या अपन जिया आत्महत्या कर लिया, फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया और मैं मर गई और गलत कर्म की वजह से मेरा पुनर्जन्म हुआ, प्रेतात्मा में मैं बदल गई। और कहे पूरब जन्म के बाई है मोर कहानी, पूरब जन्म के बाई है मोर कहानी, कहे कर जोर ढूरे दुल्हन लाकर अपना जीवन यापन करने लगे। का यही मेरे पूर्व जन्म की कथा है? मैं एक निवेदन आपसे करती हूं, आप मुझे अपनी तपस्या का कुछ अंश दे दीजिए, जिससे मेरा यजन कृतकृत्य हो जाए और मैं इस योनि से उद्धृत हो जाऊं, मुक्ति पा जाऊं, यही मेरी कामना है। क्या कहती है? पंडित जी से कह रही है, हमें कहना मास्टर। अरे अपने जीवानिया के, अपने जीवानिया के आधा तप दई जा भैया, दुगना फल प्राप्त किए। भगवान ने उनको कर्म को देखा और उन्हें दुगना फल दिया। अरे अगला जन्म में दुइना मनुष्य रूपा, अरे अगले जन्म में मनुष्य रूपा, अरे कैले घोर तप दर्शन दी है भगवान बोला। We'll be right back.
तपस्या उनको करना पड़ा और तपस्या के बल पर दोनों वही मनु और शत्रुपा के रूप में जन्म लिए। मन शत्रुपा के रूप में जन्म लिए, घोर तपस्या किया उन्होंने और घोर तपस्या करने के बाद एक दिन भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझ पर खुश हैं, आप कुछ देना चाहते हैं तो जो मैं चाहता हूं वही मुझे मिले। कहा, प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो एक बार मुझे दीजिए, आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले, यही मेरी कामना हो, यही मेरी इच्छा है। ऐसा वरदान उन्होंने मांग लिया और वही बात चरितार्थ हुई। त्रेता युग में आकर वही दोनों राजा मनु दशरथ हुए और कौशल्या शत्रुपा के रूप में जन्म लिया और वही कलहा नाम की ब्राह्मणी वो कैकेयी के रूप में जन्म लिया। इसीलिए कहना है बाबू जी, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर पावन, अरे कथन किया कभी राम नरेश जी, अरे राम आधार जी पावन हो, अरे विधाता के निराली नितिया कहे बलवंत।